नमस्कार, मैं हूं संतोष तिवारी। रामनाथ कोविंद जीत गए, तय ही था कि ऐसा ही होगा, लेकिन जीत का अंतर ऐसा तय नहीं था जैसा आया है। पक्ष विपक्ष के तय आंकड़ों के हिसाब से वोटिंग होती तो कोविंद जी को 63% के करीब वोट मिल जाते, लेकिन उन्हें करीब 66% वोट मिले हैं। सवाल है कि क्या यह माना जाए कि विपक्षी एकता बुरी तरह से टूट गई है, या चुनाव देश के राष्ट्रपति का था लिहाजा क्या इसे पार्टी की राजनीति से ना जोड़ा जाए। अगर ये विपक्षी एकता में सेंध है तो क्या आने वाले समय में कुछ राज्यों की सरकारें अस्थिर हो सकती हैं? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास होगी, लेकिन साथ ही एक मुद्दा अहम जिसका जिक्र करना जरूरी है, जिस पर यह चुनाव लड़ा गया, दलित मुद्दा। बड़ी अच्छी बात है कि एक दलित फिर से देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान हुए हैं, लेकिन सवाल यही बना रहेगा कि क्या ऐसे संकेतों भर से दलितों का भला हो जाएगा। रामनाथ कोविंद जी देश के 14वें राष्ट्रपति होंगे। यूपीए की मीरा कुमार को भारी मतों से हराकर उन्होंने ये बड़ी जीत बड़े फासले के साथ दर्ज की है। इस जीत के बाद न सिर्फ उनके गांव परौक में बल्कि देश भर में जश्न मनाया गया। आज के चुनाव परिणाम के लिए मैं सभी देशवासियों का आभार व्यक्त करता हूँ। देश के हर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने मुझ पर जो विश्वास जताया है उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। जीत का भरोसा तो पहले से था, कोशिश ये थी कि जीत के फासले को कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। इसमें रामनाथ कोविंद सफल भी रहे। न सिर्फ एनडीए का उन्हें समर्थन मिला बल्कि विपक्ष के कुनबे को भी अपने पक्ष में करने में वो कामयाब रहे। सरल व्यक्तित्व और मिलनसार होने का नतीजा ही रहा कि रामनाथ कोविंद गैरों के दिल में भी जगह बनाने में कामयाब रहे। आलम ये रहा कि गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, यूपी और दिल्ली में क्रॉस वोटिंग हुई। जाहिर है उन्हें दूसरे दलों के लोगों का समर्थन मिला। एक नजर आंकड़ों पर डालिए। राष्ट्रपति के लिए 10,98,903 वोटर थे और बहुमत के लिए 5,46,452 वोटों की जरूरत थी। रामनाथ कोविंद को 7,02,044 वोट मिले, यानी उन्हें 65.6% वोट मिले, जबकि मीरा कुमार को 3,67,314 वोट मिले, यानी 34.4%। दिस टोटल वोट वैलिड पोल डिवाइडेड बाई 2+1 विच इज 5,34,680। द रिटर्निंग ऑफिसर फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2017 hereby declare that श्री रामनाथ कोविंद रेजिडेंट ऑफ 42। 14वें राष्ट्रपति के लिए जैसे ही रामनाथ कोविंद के नाम का औपचारिक ऐलान हुआ, पैतृक गांव परौक से लेकर कानपुर नगर के दयानंद विहार तक जश्न का दौर शुरू हो गया। ढोल नगाड़े बजे, पटाखे छोड़कर लोगों ने खुशी जताई। माँ तरफ से बहुत तैयारियां हैं, उनकी कृपा है माता की, बहुत तैयारियां हैं। माँ लल्ला की तरह स्वागत करेंगे। पूरी तैयारी कर ली है, शॉपिंग हो गई है, मेरे हस्बैंड ने भी कर ली है, मेरी सिस्टर ने भी कर ली है, मम्मी ने भी कर ली है। ये खुशी यूं ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से एक छोटे से गांव से उठकर कोविंद ने रायसेना हिल्स का सफर तय किया, वो कोई छोटी बात नहीं है। पूरे परौख गांव में इस जीत पर फख्र है, क्योंकि जिस लल्ला को वो जानते थे, जिससे वो मिलते थे, वो अब दिल्ली के रायसेना पर उनसे मिला करेगा। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए ये बहुत ही भावुक क्षण है। देश को 14वें राष्ट्रपति मिले हैं और ऐसे में खुशी उनके घर पर ज्यादा देखने को मिल रही है। पूरा देश अब खुशी मना रहा है। नए राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ और इस नाम के साथ अब कुछ ऐसे भी बातें हो सकती हैं जिसको लेकर एक राजनीतिक तस्वीर बदल सकती है। रमन डेका मेरे साथ सांसद बीजेपी के जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अमितेश श्रीवास्तव न्यूज वर्ल्ड इंडिया संवाददाता मेरे साथ परौक से जुड़े हुए हैं, रामनाथ कोविंद जी के गांव से, और उनके रिश्तेदारों, उनके परिवारों और उनके जानने वालों से बातचीत कर रहे हैं। डेका साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन परौक चलते हैं।
जहां रामनाथ कोविंद की जीत का जश्न मनाया जा रहा है, आंसू, खुशी, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, एक दूसरे से गले मिला जा रहा है। जरा एक बार उन लोगों से बातचीत करवाइए, क्योंकि आज पूरा देश यही देखना चाहता है कि रामनाथ कोविंद अगर भाषण देते हुए भावुक हुए थे तो उन्होंने किन किन चीजों को याद किया था, अपने घर को, अपने जिले को किस तरह याद किया। संतोष, देखिए कि अगर उनके घर वालों की बात करें तो पहले से तैयारियां पूरी कर ली गई थी और पूरे तमाम जो रिश्तेदार हैं, जो नातेदार हैं, वो आए हुए हैं और सिर्फ जस्ट के अलावा कोई बात नहीं। संतोष, सबसे बड़ी बात है कि परौक गांव की अगर बात करें तो एक छोटा सा गांव है और यहां से चलकर उन्होंने परौक से लेकर रायसेना हिल्स तक का जो सफ़र है वो तय किया है। सादगी जो है वो अपने आप में रामनाथ कोविंद की एक मशहूर है और उसके सभी दीवाने हैं। एक तस्वीर दिखाते हैं आपको, यहाँ पर देख सकते हैं कि रामनाथ कोविंद की एक पोस्टर लगा हुआ है और हालांकि जब भी वो यहाँ पे आते हैं, ऊपर जो कमरा है वहाँ पे वो रुकते हैं और उनकी जो भतीजी हैं खासतौर पर उनका खास ख्याल रखती हैं, प्यार से रामनाथ कोविंद जी इनको लालो कहते हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा तैयारियाँ की हैं, आप बताइए कि सबसे ज़्यादा तैयारियाँ आपकी तरफ से हुई हैं, तकरीबन एक दर्जन से ज़्यादा सूट और तमाम तरह की जो तैयारियाँ हैं पहले से, क्या तैयारी है राष्ट्रपति भवन में जब शपथ लेंगे उस वक्त की तैयारी किस तरह की है आपने? हम लोगों ने काफ़ी शॉपिंग की है क्योंकि हम न्यूज़ चैनल वाले, देखिए जब से ये हुआ है ना 19 तारीख से नॉमिनेशन उम्मीदवार पद के लिए, तब से तो हम लोग ना शाम को शॉपिंग की है, दो दो घंटे तीन तीन घंटे और ड्रेस कोड भी उसी हिसाब से घर में सेलेक्ट कर लिया गया कि जब वो शपथ लेंगे तो हम लोग किस तरह का ड्रेस कोड होगा। पूरी फैमिली ने उसी के अकॉर्डिंग कपड़े सब ने खरीद लिए हैं, खूब ज़्यादा शॉपिंग की है। बिल्कुल संतोष, विद्यावती जी हैं, विद्यावती जी वैसे तो रिश्ते में रामनाथ कोविंद जी की भाभी लगेंगी, लेकिन जो माँ का रोल होता है वो ज़्यादा उन्होंने निभाया है, क्योंकि बचपन में ही रामनाथ कोविंद जी की जो माता जी थी वो इस दुनिया में नहीं रही, उसके बाद से सारा जिम्मेदारी आपके ऊपर था। क्या कहती हैं प्यार से आप रामनाथ कोविंद जी को? लल्ला कहते हैं। आप तो राष्ट्रपति बन गए, अभी भी लल्ला कहेंगे क्या? लल्ला कहेंगे, मेरा तो यही है कि लल्ले की राधा है जो बचपन पे आते वो आज लल्ला है और ये सब पत्थरी माता की कृपा से हुआ है। अच्छा। ये पत्थरी माता को हमारे बापू बहुत पूजा करते और वहाँ जाके छमाई में तो हवन कराते थे, पूरा उनको कार्यक्रम उन्हीं ने किया। ये पत्थरी माता का चौतरा बनवाया है और फिर माता जी को गमला में मंदिर बनवाया। अच्छा, गमला में कुछ उपहार भी आप रखी हैं जो स्पेशली जब आप कहेंगी, अब थोड़ी देर पहले आप बोले थे कि हम उपहार रखे हैं वो अपने लल्ला को देंगे। हमारा रखे हैं उपहार, घड़ी, घड़ी हाथ में लगाते हैं मैं टाइम देख के। घड़ी से क्या रिश्ता है, कुछ खास लगाव है, कुछ पसंद है क्या उनको? पाबंदी है और मेरे लल्ला की ये बाबू की यही पाबंदी रही, वही उपकार है वो सभी। उसी राजभवन में जब हुए तभी हमने उसको घड़ी दी थी, इसीलिए कि बाबू की इच्छा रहती थी। हमारे लल्ला वही समय पर काम करते हैं, अभी करते हैं। बिल्कुल संतोष, भले ही रामनाथ कोविंद जी देश के राष्ट्रपति बन गए हों, लेकिन विद्यार्थी जी के लिए वो लल्ला थे, लल्ला हैं और लल्ला रहेंगे। पूरा परिवार, पूरा गांव जश्न में डूबा हुआ है और हर तरफ से जो जश्न की तस्वीर है संतोष वही नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि परौक काफी छोटा सा गाँव है, लेकिन जो कुछ वो राज्यसभा सांसद रहते हुए उन्होंने जो काम किए हैं उनको लोग बहुत याद करते हैं, यहाँ तक कि जो अपना पैतृक। बिल्कुल बिल्कुल अमितेश, कोविंद जी ने गांव वालों को मिलन घर के रूप में दे दिया, ये अपने आप में महानता किस कदर है रामनाथ कोविंद जी की वो दिखाता है। बिल्कुल, और अमितेश जिस जगह खड़े हैं वो उनका पैतृक गांव है, पांचवी तक की पढ़ाई सरकारी स्कूल से पूरी की और कानपुर से ही उन्होंने वकालत की भी पढ़ाई की। और आज अगर इस देश में खुशी का माहौल है तो इस घर का हक तो बनता है, हम लगातार इस घर की खुशियों की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। रमन डेका साहब बीजेपी के सांसद हमारे साथ हैं। रमन डेका जी बहुत बहुत बधाई, एनडीए का उम्मीदवार अब इस देश को सम्मानित करेगा राष्ट्रपति पद के ऊपर सुशोभित होकर। बहुत सारी बातें थी, बहुत सारे तथ्य थे जो रखे जा रहे थे, चुनाव से पहले बहुत सारी राजनीति भी हुई। हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस एक चेहरे को सामने रखा रामनाथ कोविंद, अब उस देश के राष्ट्रपति हैं, जिस चेहरे को आपने सामने रखा बहुत कुछ सियासत से उसको क्यों जोड़ा गया, इतनी सियासत क्यों हुई, हम बीजेपी के नजरिए से समझना चाह रहे हैं। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का माननीय प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने रामनाथ कोविंद को इस प्रेसिडेंट पद के लिए चूज किया था, इसका जो नतीजा आज निकला है इसमें प्रूव हो जाता है कि ये डिसीजन सही था। रामनाथ कोविंद बहुत छोटे घर से आके आज राष्ट्रपति इलेक्ट हो गए हैं और उसका जो परिवार का और उसका जो अप कमिंग है, जो वो जिस परिस्थिति में वो गुजर रहे थे हम लोग सब देखे हैं, और आज जो उसका स्टेटमेंट है उसमें भी भावुक हो गया था। उसका स्कूलिंग, उसके बाद कॉलेज, उसके बाद जो ट्रेनिंग हुआ है, और उसके बाद मोरारजी भाई का साथ वो काम किया और एलाइड सर्विस वो छोड़ दिया, फिर राजनीति में दो बार राज्यसभा में आया है और फिर बिहार का गवर्नर, कहीं भी उसका टकराव नहीं है। रामनाथ कोविंद जी का जो पॉलिटिकल लाइफ है और जहाँ भी है कोई टकराव नहीं है। अभी आप देखिए बिहार में गवर्नर रह चुका है, इसमें हमारा नीतीश कुमार का गवर्नमेंट है जेडीयू का, उसमें भी कोई टकराव नहीं। वो संविधान जो कहता है वो इसी तरफ से काम किया है। आज देश में भी ऐसा एक लोगों का प्रयोजन है जो कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का आधार पे काम करेंगे, और एक दलित वो है, इसका भी एक मैसेज सारा देश में गया है। इट वुड हैव बीन बेटर अगर अपोजिशन ने कोई कैंडिडेट नहीं देता था और यूनानिमसली उसको सिलेक्ट करता था, वो बहुत कभी होता था। रमन जी, और आपने खुद इसका जिक्र कर दिया, मैं ये सवाल पूछने ही वाला था कि एक दलित चेहरे को लेकर राष्ट्रपति चुनाव में जो सियासत हुई वो किस हद तक जायज है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे किस तरह से अब तमाम कैबिनेट के मंत्री आकर श्री रामनाथ कोविंद जी को बधाई दे रहे थे। रामविलास पासवान वहां पहुंचे थे, हर्षवर्धन वहां पर पहुंचे हुए हैं, और ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त बधाई दिया जा रहा है और तमाम लोग, मंत्री, कैबिनेट मंत्री और एमओएस वहां पर पहुंच रहे हैं, रामनाथ कोविंद जी को बधाई दे रहे हैं। अमित शाह भी इसी मंच पर मौजूद हैं। देखा साहब, हम इसी चीज़ को और इसी बात को कर रहे थे कि एक दलित राजनीति का एक उदय हुआ है। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ है कि सियासत को किसी समुदाय से जोड़कर देखा जा रहा है, और वैसे में राष्ट्रपति चुनाव और उस माहौल में राष्ट्रपति चुनाव हुआ है। ऐसा क्या है, ऐसा जो दलित का बात ले आया है ये अपोजिशन वाला ने लेके आया है, वो कबील है। दलित होने से क्या है, रामनाथ कोविंद एक कबील व्यक्ति है, इस फिट फॉर द प्रेसिडेंशियल पोस्ट है, लेकिन अपोजिशन ने मीरा कुमार को लेके आया और उन दलित का जो राजनीति है वो करना चाहता है। लेकिन ये जो चुनाव का नतीजा है ये गलत हुआ है, गलत ये हुआ है। लेकिन सबसे बहुत खूबी है इस इलेक्शन में दोनों ने, रामनाथ कोविंद ने भी और मीरा कुमार ने भी, कोई व्यक्तिगत आरोप किसी का प्रति नहीं लगाया। जो एक गरिमा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का होना चाहिए वह है, और तो छोटे मोटे दो पॉलिटिशियन बोलते हैं वो तो एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पॉलिटिकल लाइफ है, लेकिन आई थिंक रामनाथ कोविंद बहुत ऊपर उभर रहेंगे। वो खुद बोला है राजेंद्र प्रसाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन एपीजे कलाम का जो रूट मैप है उस रूट मैप में वो काम करेंगे और संविधान को सबसे आगे रखेंगे। लेकिन जब राष्ट्रपति चुनाव में जब होते थे उम्मीदवारों की जब बात होती है, तो चाहे प्रणब मुखर्जी साहब को ले लीजिए, प्रतिभा पाटिल जी को ले लीजिए, एपीजे कलाम साहब जिनका आप नाम ले रहे हैं, आर नारायणन जी को ले लीजिए, शंकर दयाल शर्मा जी को ले लीजिए, ये जो तथ्य सियासी जो उजागर होते हैं उस दौर पर उजागर नहीं हुए थे, विपक्ष के साथ एक तालमेल रहता था। डेका साहब, सवाल इसी को लेकर है कि ये तालमेल यहाँ कहीं ना कहीं टूटा है, क्योंकि जब आप लोग मिलने गए सियासी दल के तहत और एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई, लेकिन आप लोगों ने बिना किसी से पूछे इनके नाम का ऐलान कर दिया, ये भी आरोप लगते रहे। नहीं, ये आरोप है, लेकिन वो बातचीत हुआ है और एनडीए ने सपोर्ट किया है, और लास्ट टाइम भी प्रणब मुखर्जी का जो कैंडिडेट हुआ उसके बाद भी तो पी एस संगमा का कैंडिडेट शेयर अपोजिशन, तब हम लोग अपोजिशन में था, हम लोग कैंडिडेट दिया। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का चुनाव स्वागत है, चुनाव होते रहना चाहिए कहीं भी, लेकिन चुनाव अगर आज नहीं होता था, जो रामनाथ कोविंद जो पर्सनलिटी है और उसका जो
काम क्या पद्धति बिहार में है वो सारा लोग देखे हैं, अपोजिशन में भी देखा है। ये सबसे बहुत खुशी का बात है, रामनाथ कोविंद जी का जब कैंडिडेटशियर घोषणा किया उसी समय बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रामनाथ कोविंद को सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया? उसको लगा है उसमें ये एक व्यक्ति है जो टकराव में नहीं जाएगा लेकिन संविधान जो बोलेगा वो करेगा। हम लोग को तो वही सही है ना, जो संविधान में है उसको आगे ले, देश को संविधान के दायरे में रह के सारा काम करे। वी नीड सच टाइप ऑफ ए पर्सन एंड दैट पर्सन इज रामनाथ कोविंद। सुधीर हिलसान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडिटर हैं डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के। बहुत बहुत स्वागत है सुधीर साहब। एक तरह से राष्ट्रपति अब चुन ले गए, एक तरह से जो चुनाव हुआ उसमें एक बहुत बड़ी मार्जिन भी देखने को मिली, लेकिन इस चुनाव ने राष्ट्रपति चुनाव को एक अलग तस्वीर में पेश किया सुधीर साहब। और ये बात आपसे छुपी नहीं है कि किस तरह यहाँ पर एक दलित नाम के शब्द को, एक दलित वोट बैंक को, एक दलित चेहरे को सामने रखने की बात सियासी गलियारों में उजागर की गई। क्या आपको लगता है कि राजनीति तो दलितों के नाम पर अरसे से हो रही है लेकिन अब राष्ट्रपति चुनाव में भी इस शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा, इस वोट बैंक का इस्तेमाल किया जाने लगा, ये सही है? देखिए, जो बात चल रही है कि राष्ट्रपति चुनाव में दलित शब्द आया, इसके लिए दलित राष्ट्रपति, सबसे पहली बात तो मैं आपके माध्यम से देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद साहब को शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक जो आपने बात रखी, मैंने पहले भी इस बात पे अपना वो किया था कि अगर दलित राष्ट्रपति की बात क्यों की जाती है, दलित राजनीति की बात क्यों होती है। सुधीर जी, मैं आपको रोकूंगा माफी के साथ, अमित शाह इस वक्त कुछ कह रहे हैं। लोगों को अपना प्रतिनिधि सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठा हुआ दिखाई पड़ेगा। मुझे विश्वास है रामनाथ जी का कार्यकाल इस सर्वोच्च संवैधानिक पद को एक और नई ऊंचाई देगा और गरिमा प्रदान करेगा और देश को संविधान के सर्वोच्च पद पर देश के एक ऐसे तबके से आया हुआ व्यक्ति देखने मिलेगा जो वर्षों से राह देखता था कि हम लोगों के बीच में से निकलकर कोई सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे। मैं फिर से एक बार रामनाथ जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ में एनडीए के सारे साथी दल, एनडीए के अलावे जिन राजनीतिक दलों ने रामनाथ जी का समर्थन किया वो सभी को, और उसके अलावे भी बहुत सारे लोगों ने रामनाथ जी की पक्ष में अपना मत प्रकट किया है, वो सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। अमित शाह जी ने सबका धन्यवाद किया है। और ऐसे में सुधीर साहब जिस बात का जिक्र कर रहे थे, देखिए अमित शाह जी के बयान में भी यही बात सामने आई सुधीर जी। रमन डेका साहब, आपने सुना जब हम कुछ दलित राजनीति पर आपसे चर्चा कर रहे थे, आपने बोला कि विपक्ष की तरफ से ये शब्द और ये बातें और ये सियासी बातें सामने बयानों के तौर पर रखी गई, लेकिन अभी अमित शाह के धन्यवाद जो बयान आया उसमें भी उन्होंने कहा कि रामनाथ कोविंद एक ऐसे तबके से आए हैं। हम इसी तबके का जिक्र कर रहे हैं कि आखिर राष्ट्रपति चुनाव में भी इस तरह की बातें अब आम होने लगी हैं, इस चुनाव से इसकी शुरुआत हो गई है। सुधीर जी, संतोष जी, जो जिस लोकतंत्र में हम रह रहे हैं उस लोकतंत्र में समाज में रहने वाले जो सभी वर्ग के लोग हैं उनको समुचित प्रतिनिधित्व हर जगह मिले। मैंने बोला कि क्यों ये बात नहीं होती कि दलित राष्ट्रपति की बात क्यों हो जाए, जब आप किसी तबके को का प्रतिनिधित्व समुचित रूप से नहीं होता है तब वहाँ पे उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए वो बात चलती है, चाहे वो राजनीति में आप देखें या साहित्य में देखें, समाज में देखें, हर जगह। तो उसको अगर इस तरीके से देखा जाए, और ये सही है कि अगर इस देश में एक ऐसा तबके से जिस तबके से ऊपर आ करके या कोई व्यक्ति सर्वोच्च पद पर पहुँचता है तो देश के आखिरी व्यक्ति को भी उसमें एक आशा की किरण दिखाई देती है और उसको वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। तो इसलिए इसको इस तरीके से देखने की आवश्यकता है, न कि और दलित राष्ट्रपति या कोई जाति के आधार पर देखने की, एक विश्लेषण और विमर्श में। तो चूंकि आप साहित्य में भी देखें, दलित साहित्य की बात चलती है, इसलिए चलती है कि जो साहित्य भारतीय साहित्य रहा उसमें जो वंचित तबका साहित्यकारों ने उनका स्थान नहीं दिया, उनके बारे में नहीं लिखा, उनकी पीड़ा को नहीं समझा, इसीलिए
दलित साहित्यकार आगे आते हैं और अपनी पीड़ा को खुद लिखते हैं। सुधीर जी, हमारा जो सवाल है और ये जो चर्चा हो रही है, ये जो चर्चा हो रही है और हमारा जो सवाल है, देखिए सियासत इर्द गिर्द घूमे, ऐसा नहीं है कि कोई पहले ये दलित राष्ट्रपति के तौर पर रखे गए हैं, लेकिन एक समाज के भीतर राष्ट्रपति चुनाव जो कि हर दल से ऊपर होता है, जहां पर इस तरह की व्याख्या होती है कि एक प्रथम नागरिक जो देश को विश्व में रिप्रेजेंट करेंगे, उसको लेकर ये जो शुरुआत हुई है, ये गलत है या सही? आप इसको सही मानते हैं जो सियासत हुई है इसके ऊपर? इल्सान साहब, क्या आप इसको सही मानते हैं? देखिए शुरुआत तो नहीं हुई है, इसके पहले क्या नारायणन साहब राष्ट्रपति रहे, हमारे क्या नारायणन साहब एक शुरुआत नहीं है। आप उसी वो में देखें कि एक योग्यता और विनम्रता, मैं तो ये कहूँगा माननीय रामनाथ कोविंद साहब का जो कैंडिडेचर है वो योग्यता और विनम्रता, और डॉक्टर अम्बेडकर का जो संघर्ष था और डॉक्टर अम्बेडकर का जो बलिदान था, त्याग था, और उन्होंने जो अपने राजनीतिक समुचित प्रतिनिधित्व के लिए जो अभियान चलाया था उसको सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर अम्बेडकर हमारे संविधान निर्माता रहे, और उन्होंने हर समय पिछड़े और ऐसा नहीं है कि पूरे देश के लेवल पे राष्ट्र निर्माण की बात भी उन्होंने किया, राष्ट्र निर्माण की बहुत सारी प्रक्रियाओं में उनका योगदान है। आप ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ वंचित और पिछड़े वर्गों के लिए ही काम किया, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी भारतीय राजनीति है और उसमें समुचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए। अभी मैं एक और बात आपको कहना चाहूंगा यहां, कि अगर मान लीजिए कि एससी एसटी को जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला हुआ है, अगर वो रिजर्वेशन नहीं होता तो क्या जो हमारे देश में जो सभी पार्टियां हैं उनको क्या उतना प्रतिनिधित्व देने में सक्षम होती? मेरा मानना है नहीं होती, क्योंकि आप ये देखें कि कितने सामान्य सीट से अनुसूचित जाति के लोगों को उम्मीदवार बनाया जाता है। चलिए, इस पर तो एक लंबी बहस, क्यों है कि एक अनादिकाल तक चलने वाली एक बहस हो सकती है, लेकिन एक सवाल उठता है कि प्रथम नागरिक को लेकर इस तरह की सियासत हुई, इस तरह के वोट बैंक का हवाला दिया गया, उनके समुदाय का यहाँ जिक्र किया गया, ये कितना सही है? आप सभी मेरे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक ले, यहाँ रुक रहे हैं। देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद जी ने चुनाव जीत लिया है, 25 जुलाई को वो शपथ लेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्होंने क्या कहा, जरा जानिए। चुनाव परिणाम के लिए मैं सभी देशवासियों का आभार व्यक्त करता हूं। देश के हर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने मुझ पर जो विश्वास जताया है उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। हम चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार रही श्रीमती मीरा कुमार जी को भी धन्यवाद के साथ ही अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। जिस पद का गौरव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी और प्रणब मुखर्जी जी जैसे महान विद्वानों ने बढ़ाया है, उस पद पर मेरा चयन मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास करा रहा है। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए ये बहुत ही भावुक क्षण है। मीरा कुमार ने कहा कि जिस विचारधारा की लड़ाई के लिए मैं आगे आई थी वो अभी खत्म नहीं हुई है। ये मैं बताना चाहूंगी कि जिस विचारधारा की लड़ाई लड़ने के लिए मैं इस चुनाव में शामिल हुई थी वो आज 20 जुलाई 2017 को समाप्त नहीं हुई है। विचारधारा और मूल्यों की ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे लोग इसमें विश्वास करते हैं और इसमें अपना संबल पाते हैं। सामाजिक न्याय,
पारदर्शिता, सबको ले चलने की हमारी इच्छा, धर्मनिरपेक्षता, प्रेस की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, जाति पाति का विनाश, हम ये सब चाहते हैं और निरंतर इसके लिए इतनी ही शक्ति के साथ लड़ते रहेंगे। दोनों उम्मीदवारों को आपने सुना, रामनाथ कोविंद जी चुनाव जीत चुके हैं 14वें राष्ट्रपति के रूप में, और हमारे साथ भी सम्मानित मेहमान बने हुए हैं। रमन डेका साहब बीजेपी के सांसद मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सुधीर हिलसान साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सुधीर जी एक बार फिर आपका। अभय दुबे प्रवक्ता है कांग्रेस के, मेरे साथ जुड़ गए हैं। यूसुफ अंसारी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं अंसारी साहब आपसे शुरुआत करता हूं। अभी हम दलित राजनीति के जो बयान आए थे चुनाव के दौरान उसका जिक्र कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे विपक्ष में सेंधमारी की। जिस तरह से विपक्ष में क्रॉस वोटिंग की खबरें आई हैं, चाहे वो गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार से भी कुछ खबरें आई हैं, गोवा से भी कुछ खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर क्रॉस वोटिंग हुई है, तो क्या विपक्ष एक साथ साधने में कामयाब नहीं रहा, जिस तरह से मीरा कुमार के बयान को अभी आपने सुना? नहीं, कितना देर है कैमरा को वो देख लीजिए, मेरा चेहरा ठीक है हाँ क्या? और ऊपर आगे तक जाना है जी। आज एक पड़ाव है और मीरा कुमार का हारना तय था। इस चुनाव के नतीजों से सिर्फ ये तय होना था कि विपक्ष की एकता टिकी रहती है या वो बिखर जाती है। तो एक अच्छी बात यह है कि विपक्ष की एकता टिकी रही, बिखरी नहीं। जैसे 2002 में हुआ था कि एपीजे अब्दुल कलाम का नाम जब बीजेपी ने सामने रखा तो विपक्ष ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था, और उस वक्त के अगर आप नतीजे देखें तो लेफ्ट पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार थी लक्ष्मी सहगल, उन्हें सिर्फ 1,07,366 वोट मिले थे। अगर पिछले तीन चुनाव यानी 2002, 2007, 2012 की हम तुलना करें तो मीरा कुमार को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं विपक्ष के उम्मीदवार होने के नाते। जो सबसे कद्दावर नेता और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार माने जाते थे 2007 में भैरव सिंह शेखावत, जो बीजेपी ने सबसे पहले उनका नाम घोषित किया था सत्ता पक्ष का उम्मीदवार उतरने से पहले, और कांग्रेस को यह माना जाता था पसोपेश में डाल देंगे, वो भी 3,31,000 पे सिमट गए थे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, और 2012 में प्रणब मुखर्जी के मुकाबले संगमा जब चुनाव लड़े थे उन्हें 3,15,000 वोट मिले थे, और इस बार बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि प्रणब मुखर्जी को जो वोट मिले हैं उससे कहीं ज्यादा वोट रामनाथ कोविंद को मिलेंगे, तो वो दावा तो वो उस दावे पर बीजेपी खड़ी नहीं उतरी। इसका मतलब ये हुआ कि रामनाथ कोविंद का जो जादू था, जो उनकी व्यक्तिगत पर्सनैलिटी थी, उसका ऑरा उतना नहीं था। जैसे उत्तर प्रदेश में हमें उम्मीद थी कि पहली बार उत्तर प्रदेश में जन्मा व्यक्ति राष्ट्रपति बनने जा रहा है, तो ऐसा लगता था जैसा कि शिवपाल सिंह यादव ने वोट डालने के बाद कहा था साहब नेताजी के कहने पर उन्होंने वोट डाला है। उस हिसाब से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा वोट उनकी तरफ नहीं गए हैं, जो बीजेपी के अपने वोट थे वही वोट। विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं। और बिहार के विकास की बात हुई थी, अब हम लोग भी उम्मीद बांध के रखे हुए हैं कि बिहार से ही गए हैं तो क्या पढ़ते हैं, कोई राज्य के लिए खास तो कर नहीं सकते, राष्ट्रपति का तो कोई अधिकार होता नहीं, एग्जीक्यूटिव पावर तो प्रधानमंत्री के हाथ है। तो लालू प्रसाद यादव बात कर रहे हैं कि बिहार से गए हैं तो अब देखते हैं बिहार के लिए क्या करते हैं। एक ऐसा चेहरा जो सर्वसम्मति से चुना गया है पार्टियों के बीच, लेकिन विपक्ष के भीतर कहीं ना कहीं एकजुटता नहीं दिखाई दी। अभय दुबे जी, कहीं ना कहीं विपक्ष बिखरता हुआ नजर आया है, चाहे आम आदमी पार्टी नहीं मीरा कुमार के समर्थन की बात की थी, लेकिन दिल्ली में क्रॉस वोटिंग हुई है, उत्तर प्रदेश में क्रॉस वोटिंग हुई है, बिहार से भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं, गुजरात में क्रॉस वोटिंग हुई है, गोवा में क्रॉस वोटिंग हुई है, तो विपक्ष की एकजुटता कहीं ना कहीं इसमें विपक्ष एक दूसरे के साथ खड़े होने की जो बात कर रहा था उसमें सक्षम दिखाई नहीं दिया है। देखिए, पहले तो एक बात को समझ लेना होगा कि एनडीए का जो बुनियादी अलायंस था जिसमें शिवसेना, पीडीपी, अकाली दल, टीडीपी उस और 14 दल थे, उसके अलावा फिर जेडीयू ने, टीआरएस ने, बीजेडी ने, इन लोगों ने अलग से अपना मत व्यक्त किया था कि हम कोविंद जी के साथ जाएंगे। उन्होंने अपने व्यक्तिगत संबंधों को आधार भी उसका बनाया।
उसके आधार पर प्रतिपक्ष की जो अपेक्षा थी उतने ही वोट मिले हैं। कई जगह तो मूल्यांकन होगा, राजस्थान में हमको में क्रॉस वोटिंग हुई है और कांग्रेस की तरफ कुछ इंक्लिनेशन है, कुछ दूसरे राज्यों में भी है। आप अगर देखें तो प्रणब मुखर्जी साहब के चुनाव में जो वोटों का अंतर था वो 4 लाख था। आज बुनियादी सवाल देश के सामने ये है कि कोविंद जी ने वक्तव्य दिया और हम सबसे पहले उनको बधाई प्रेषित करते हैं कि भारतवर्ष के प्रजातंत्री व्यवस्था में इस गौरव को वो कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि मैं टूस के घर में रहता था जो बरसात में चूता था, उससे लेकर राष्ट्रपति भवन के वैभवशाली इमारत तक का जो सफर है, तो हम महामहिम से अपेक्षा करेंगे कि बीते 3 वर्षों से देश की बहुलतावादी विचारधारा में विभिन्न भाषा भूषा भेषज संस्कृति संस्कार इन सब का पराभव हुआ है। इस इमारत को चूने से आपको बचाना होगा, ये हम आपसे अपेक्षा करते हैं और एक बड़ा दायित्व है। तो हमारी अपेक्षा महामहिम राष्ट्रपति जी से यही होगी कि वो इस विचार को भारत के और पल्लवित पुष्पित करें ताकि इस वट वृक्ष के नीचे जो 70 साल का सद्भाव हमने बोया है वो बरकरार रह पाए। ये सद्भाव की बात बहुत हो रही है, मीरा कुमार जी भी सद्भाव और सर्वधर्म सद्भाव की भी बात कर रही है, लेकिन रमन डेका जी, क्या आप लोग विपक्ष को जो समझाना चाहते थे कुछ हद तक आप कामयाब हुए हैं क्या, कई राज्यों में जो क्रॉस वोटिंग आपके पक्ष में हुई है? नहीं, ये जो क्रॉस वोटिंग हुआ ये कॉन्शियंस वोट है, और कॉन्शियंस क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में कोई होता नहीं है जी। और ये कॉन्शियंस वोट हम लोग को मिलेगा ऐसा उम्मीद था, और आज जो क्रॉस वोटिंग हुआ इससे प्रमाण हुआ है कि रामनाथ कोविंद को अपोजिशन का बहुत लोगों ने भी एक्सेप्ट किया था, जिसके कारण ये हुआ है। और सुधीर जी ने जो बताया जो दलित का बात, इस बात का हम सहमत है, जो रामनाथ कोविंद एक दलित का घराने का लोक है, बट इट डजंट मीन दैट इज रिप्रेजेंटिंग ओनली दलित, उसका काबिलियत है, उसका एक्सपीरियंस है, ये सारा कारण से उसको प्रतिनिधित्व करने के लिए एनडीए ने सुना है, और ये जो रिजल्ट है इसका कामयाबी के लिए हम हमारा प्रधानमंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देते हैं। ठीक है, सबने आपने अपने वोटिंग किया, लेकिन ये जो मार्जिन वोटिंग है इसको लेकर भी अब आंकड़ों पर बहस छिड़ सकती है। हम बार बार परोख भी लिए चलते हैं अपने दर्शकों को, अमितेश हमारे संवाददाता वहां पर लगातार बने हुए हैं रामनाथ कोविंद जी के घर पर, उनके परिवार रिश्तेदार उनको जानने वाले, और देश देख रहा है कि इस वक्त उनके घर पर जहां वो जन्मे, 5वीं क्लास तक पढ़ाई की, कानपुर में उन्होंने वकालत की पढ़ाई की, वहां किस तरह की खुशी है। अमितेश जरा बात करते रहिए, क्योंकि देश देखना चाह रहा है कि आखिर उस घर से निकले 14वें राष्ट्रपति ने कितनी वहां पर मेहनत की, कितनी वहां स्ट्रगल की है। देखिए संतोष, सबसे बड़ी बात यह है कि परोख के एक छोटे से गांव में पैदा हुए हैं रामनाथ कोविंद, और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार वो आगे बढ़ते रहे, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे लोगों को सीखने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात, अभी थोड़ी देर पहले हम उनकी भाभी विद्यावती जी से बात कर रहे थे, समय के बहुत पाबंद हैं, सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी बात यह है कि भले ही हम चर्चा कर रहे हों संतोष कि पूरी तरह से दलित वोट बैंक के लिए और तमाम चीज़ों के लिए सियासतदान इस तरह की जो तमाम जो समीकरण हैं बैठाते रहे हैं, लेकिन रामनाथ कोविंद को अगर हम जमीनी स्तर पर देखें तो इस तरह की उनकी कभी भी स्थिति नहीं रही, कभी भी उन्होंने खास तौर पर दलितों की राजनीति नहीं करी, सभी को साथ लेकर चले, और यही वजह है कि सबसे बड़ी एक नुमाइंदगी आप कह सकते हैं, एक सबसे बड़ी तस्वीर देख सकते हैं कि परोख का जो पैतृक गांव है उसको भी उन्होंने गांव वालों को मिलन घर के रूप में तब्दील करके दान दे दिया, और तमाम जो शादी ब्याह से लेकर तमाम जो काम होते हैं वहां पर उनके पैतृक घर में होते हैं, जहां पर भी थोड़ी देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिक्र किया था कि जब वो छोटे थे तो जब बारिश होती थी तो तमाम जो जितने भाई बहन थे वो एक दीवार के नीचे छुपते थे, तो ये उनकी महानता है। और उनके भाभी विद्यावती जी से ज्यादा बेहतर रामनाथ कोविंद को कोई नहीं जान सकता, समझ सकता, क्योंकि हम पहले से संतोष बता रहे हैं कि विद्यावती जी सिर्फ भाभी नहीं है रिश्ते में बल्कि माँ का भी किरदार निभाया है। साफ तौर पर आप बताइए कि आज तो हम बार बार वही सवाल की जश्न तो मनाई जा रहा है, खुशी चेहरे पर दिखाई दे रही है, तैयारियां भी की हैं आपने राष्ट्रपति भवन जाने के लिए। जी, आप भी आई हैं खासतौर पर इस मौके को एंजॉय करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है क्योंकि ये मेरे रिश्तेदार, मैं इस रिश्ते में आती हूँ, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी, मेरे पास शब्द नहीं मिलता है कि इस जींदक शहर में आई हूँ, और
देख सकते हैं कि लोगों से की कितनी ज्यादा खुशी है, मेरे पास शब्द नहीं है संतोष। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम इन तमाम भाई बहनों में बात करें तो लालू जी खुश हैं, इसलिए क्योंकि वो पूरी तरह से रामनाथ कोविंद जी बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं और बचपन से खिलाया है। और यही वजह है कि जब भी कानपुर और इस घर में आते हैं तो आप पूरा ख्याल रखती हैं। आप बताइए कि गिफ्ट की आपने तैयारी पहले से कर ली है और माताजी ने भी खासतौर पर घड़ी लिया है, आपने आप जब मिलेंगे तो क्या गिफ्ट करेंगी? मैं उनको एक डायरी और पेन, एक स्पेशल पेन गिफ्ट करूंगी, क्योंकि वो हमेशा उन्होंने ना पढ़ाई के लिए खुद भी वो पढ़ाई पे जोर मतलब हमेशा लाइफ में उन्होंने स्ट्रगल किया है, पढ़ाई की है और हम लोगों को भी यही प्रेरणा दी है और हम लोगों को उनसे यही प्रेरणा मिली हमेशा आगे बढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए जी। तो इस समय तो हम लोग बहुत खुश हैं और खुशी है, खुशी का माहौल है और घर में अगर कोई जीतता है तो घर की खुशी कुछ इसी अंदाज में नजर भी आती है। वो तस्वीर दिखाते हैं, सिर्फ चारों तरफ जो नारेबाजी है वो हो रही है और पूरी तरह से संतोष जो स्थानीय लोग हैं वो इस घर पे आ गए हैं और पूरी तरह से आतिशबाजी से लेकर। चलिए तो ये खुशी है और इसी तरह से उनकी पार्टी के लोग भी और पूरा देश नए राष्ट्रपति को पाने के बाद खुश है और घर में किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है अमितेश बता रहे हैं। हम बात दलित राजनीति की कर रहे थे क्योंकि इस बार चुनाव में इस मुद्दे को अहम तरीके से उठाया गया। लेकिन सुधीर जी सवाल ये है मेरा आपसे, आप जिक्र कर रहे थे दलित साहित्य का भी आपने जिक्र कर दिया, लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे कि सिर्फ एक समुदाय के व्यक्ति को ऊपर बिठाना क्या आपको लगता है कि पूरे समुदाय का भला होगा या फिर भला करने के लिए कुछ करना होगा? हमेशा इस्तेमाल हो जाता है लेकिन काम कुछ नहीं होता, चाहे आप उत्तर प्रदेश की सियासत ही देख लीजिए। कनेक्ट करो, टाइम निकल जा रहा है। सुधीर जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम कोशिश करते हैं सुधीर जी से फिर जुड़ें, लेकिन मेरा सवाल अंसारी साहब आपसे यही है, क्या आपको लगता है, अब दलित सियासत की बात हो रही थी, काम कभी कुछ हुआ नहीं, हमेशा एक चेहरे का इस्तेमाल कर लिया जाता है, एक समुदाय का इस्तेमाल कर लिया जाता है? ये कहना मुनासिब नहीं है कि काम कुछ नहीं हुआ। जहाँ तक बात है कि हम एक बहुलतावादी देश में रहते हैं और इस देश में अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, अलग अलग जाति समूह के लोग हैं और वो जाति समूह मिलकर वर्ग बनते हैं। तो डेमोक्रेसी में की खूबसूरती ये है, लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि सबको साथ लेके चला जाए और सबको साथ लेके चलते हुए दिखना भी चाहिए। इसीलिए जब प्रेसिडेंट के चुनाव जब भी होते हैं, जब से हमने होश संभाला है और जब से प्रेसिडेंट के चुनाव हमने देखना समझना शुरू किया है, ये बात जरूर आती है कि साहब उसके अंदर क्षेत्रीय संतुलन होना चाहिए। ऐसा पहली बार हो रहा है कि उत्तर प्रदेश से ही देश का प्रधानमंत्री भी है और उत्तर प्रदेश से ही देश का राष्ट्रपति भी चुना गया है। इससे पहले ये बैलेंस बनाने की कोशिश होती है कि अगर उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री दिए तो जो प्रेसिडेंट है वो दक्षिण भारत से हो या पश्चिम भारत से हो या कहीं से हो, तो ये बैलेंस बनाने की कोशिश होती है। जहाँ तक बात आती है कि साहब दलित समुदाय से रामनाथ कोविंद आते हैं, तो रामनाथ कोविंद पहले राष्ट्रपति नहीं है जो दलित समाज से आते हैं, इससे पहले लेकिन दलित समुदाय को लेकर हुई है उनके नाम को लेकर सियासत अभी नहीं हुई है। ये जब से बीजेपी सत्ता में आई है 2014 में, तब से बीजेपी और संघ परिवार की एक सोच रही है कि साहब दलित समुदाय को किस तरह अपने साथ जोड़ा जाए। अभी तक जो दलित समुदाय आरएसएस के एजेंडे से बाहर था, आरएसएस ने जब तक सोचा कि हमारा जो अपना एक कट्टरवादी जो वोट बैंक है उसका जब तक हम विस्तार नहीं करेंगे तब तक हमारी सत्ता देश में स्थायी नहीं हो सकती है। तब से आरएसएस और बीजेपी दोनों मिलकर इस एजेंडे पर काम कर रहे हैं कि किस तरह से दलितों में एक अपनी पैठ बनाई जाए। आपको याद होगा पिछले साल जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाई गई नागपुर में, चुनाव से पहले भी उन्होंने बाकायदा उसका एक दलितों को अपने साथ जोड़ने के लिए बीजेपी ने जो भी कुछ किया उसके पीछे यही था कि जो दलितों के नाम पे जो छोटी छोटी पार्टियां काम कर रही हैं उनको बीजेपी में या तो समावेश करा लिया जाए और दलितों पर अपना एक तरह से उनको दलितों की शिकायत क्या रही है, दलितों की शिकायत ये रही है कि हमें हिंदू समाज में सम्मान नहीं मिला, मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं मिली, कुओं से पानी भरने की इजाजत नहीं मिली। तो अब आरएसएस उसी एजेंडे पे काम कर रहा है कि एक मंदिर एक कुआं और उस तरह, तो वो जो शिकायत रहे वो शिकायत दूर करके एक बृहद समाज बना रहा है और एक ऐसा अपना जराधर बना रहा है जिससे वो लंबे समय तक इस देश में सत्ता में कायम रह सके ताकि अपने एजेंडे को पूरी तरह लागू कर सके। रमन डेका साहब आप भी इस बात से सहमत हैं, हालांकि आप इस बात का विरोध जरूर करेंगे, लेकिन जिस तरीके से सियासत हुई है राष्ट्रपति चुनाव के दौरान, इस तरह की सियासत पहले कभी नहीं हुई।
सवाल यही है कि सियासत को लेकर इसके पीछे एक लंबी सोच, एक रणनीति नहीं, इस, नहीं इस, इस बात में आप मत पड़िए। राष्ट्रपति का चुनाव एक दूसरा चुनाव है और बाकी जो लेजिस्लेचर असेंबली का हो, पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, वो एक दूसरा चुनाव है। इस चुनाव में ये मुद्दा आया नहीं, एक बैलेंस करने की बात। देखिए यहाँ अंसारी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रमन डेका जी, रमन डेका जी, आप आपकी अपनी अपनी दलील हो सकती है, लेकिन यूसुफ अंसारी साहब ने एक सवाल सही किया है कि एक बैलेंस रखने की कोशिश होती है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एक ही स्टेट से आ रहे हैं, एक तरह से ये बैलेंस नहीं हुआ। देखिए रामनाथ कोविंद का उत्तर प्रदेश से होना, बिहार का गवर्नर होना, ये तमाम है। बैलेंस का क्या बात है? ये राष्ट्रपति जो सारा लोगों को ले जा सकता है उसको ही करना है। वो बैलेंस का बात तो पॉलिटिकल जो बात होता है उसमें बात होता है, एक संतुलन की बात हो रही है। कोविंद जी प्रेसिडेंट चुनाव में जीत गए, इज अबव पॉलिटिक्स और वो कॉन्स्टिट्यूशन का कीपर है, कॉन्स्टिट्यूशन कीपर है। सुधीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे? दूसरा है सुधीर इल्जाम साहब, दूसरा है, दोनों को एक साथ मत। जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, देखिए एक्चुअली हमें लगता है कि जो विमर्श जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उसमें जो मूल सवाल आपने जो बोला था कि राष्ट्रपति के चुनाव में, तो देखिए जब राजनीति में ऐसा नहीं है, आप देखिए कांग्रेस ने राजनीति की मुस्लिम दलित वोट को लेकर की, और अभी भारतीय जनता पार्टी न कि सिर्फ दलित, आप देखें अति पिछड़ों को उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ उसमें गैर यादव गैर कुर्मी वोटों को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ जिसको सोशल इंजीनियरिंग साधने की कोशिश की, तो वो तो एक जो आम चुनाव और विधानसभा लोकसभा चुनाव के है, लेकिन आप इसको राष्ट्रपति चुनाव में, जैसा कि मैंने बोला था कि रामनाथ कोविंद साहब का उम्मीदवार होना उनके जाति और उनका जो दलित जो है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। उनकी विनम्रता और योग्यता को जब एनडीए को कोई उम्मीदवार जब एनडीए खोज रही थी ढूंढ रही थी, और आपको मैं बताऊँ कि जैसा कि जो मुझे जानकारी है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एक ऐसा उम्मीदवार चाहती थी जिसपे सबकी सहमति हो और इसके लिए प्रयास किए गए थे। नहीं, प्रयास और आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव के समय जीत चुके हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव पर सवाल नहीं है, अब इसके ऊपर सवाल नहीं है। अभय दुबे जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, सर्वधर्म संभाव वाली, सबको साथ चलकर लेने वाली, चल के देश को आगे बढ़ाने वाली बात, क्या आपको लगता है? लेकिन देखिए इन सब बातों को भी जोड़िए, राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति के चयन को, राष्ट्रपति के उम्मीदवारी को दलित राष्ट्रपति के तौर पर देखना, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि रामनाथ कोविंद साहब जो अब हमारे प्रथम नागरिक का शपथ लेंगे और चुन लिए गए हैं, वो उनकी विनम्रता और योग्यता इन दोनों को समझ में भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिकरण जी ऐसा क्यों लगता है कि सबको साथ लेकर चलने की बात पर जोर दे रही है उस संदर्भ में देखा जाना चाहिए। ये देखिए विजय जी, कांग्रेस पार्टी की अपेक्षाएं यह रही है क्योंकि बीते 3 वर्षों से जो हमारा अनुभव रहा है कि जो समावेशी विकास की अवधारणा कांग्रेस पार्टी की थी वो बीते 3 सालों में पिछड़ गई है। जो सद्भाव हमने कायम 70 वर्षों में किया वो बीते 3 सालों में पिछड़ गया है। जो आर्थिक उन्नति भारतवर्ष ने की थी उसके सारे सूचकांक देखें तो वो बहुत पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो देश एक प्रगति का प्रशस्त मार्ग पाने की अपेक्षा एक ऐसे रास्ते पर जा रहा है जो सिर्फ प्रचार पर आधारित राजनीति का हिस्सा बनकर रह गया है, परिणाम उसमें निकल कर नहीं आते। जहाँ तक ये बहस का प्रश्न है, मुझे बड़ा दुख होता है। देखिए अगर कोई समुदाय जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ वो ओन करता है, वो ये कहता है कि हमारे समाज का प्रतिनिधित्व इस देश का शीर्षस्थ व्यक्ति करता है, तो इसमें क्या बुराई है? ये तो गौरवशाली परंपरा भारतवर्ष की है कि हम सब लोग इस बात से प्रोत्साहित हैं कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ आदमी शीर्ष स्थान तक पहुंचा है, चाहे वो कोविंद जी का प्रश्न हो या मीरा कुमार जी का। तो इसमें तो हमको सबको इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए, क्या
दलित होना और राष्ट्रपति हो जाना ये कोई ऐसा विषय है जिस पर हम कहें कि उनको ये नहीं प्रयुक्त करना चाहिए, बिल्कुल खुलकर करना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने भी तो कुछ ऐसे ही चेहरे को उतारा मुकाबले में। दलितों के लिए कई स्थानों पर फ्यूनरल का मार्ग अलग है, कई कुओं से उनको पानी नहीं पीने दिया जाता, कई स्थानों पर प्रोसेशन अधिकार। समय की कमी है, मैं बहुत संक्षेप में सबसे एक कमेंट लेना चाहता हूं। यूसुफ साहब, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। जो बातें हो रही हैं ये तो राजनीतिक बातें हैं, इसका लेना देना क्या हर राजनीतिक पार्टी से नहीं रहा जो आज एक व्यक्ति को लेकर या उस चुनाव को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है? देखिए, ये एक सोच है संतोष के, जो समाज का डिप्रेव क्लास हमारी है, जो दबा कुचला तबका जिसे हम दलित समाज कहते हैं, वो आज़ादी के बाद भी राजनीति में हाशिए पर ही रहा है। अब एक छोटा सा मैं नमूना बताता हूँ आपको। सुधीर हिल्डेन हमारे मित्र हैं, बैठे हुए हैं। आज़ादी के बाद नेशनल मूवमेंट में जितने बड़े नेता थे उन सबको आज़ादी के 20 साल के अंदर अंदर सबको भारत रत्न मिल गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर में क्या कमी थी कि उन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया उस वक्त सरदार पटेल को भी मिल गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी मिल गया, इंदिरा गांधी को भी मिल गया। यानी कि सबको तो साथ लेने वाली बात कर रहे हैं। अभी मैं एक बात कर रहा हूँ, ये सवाल उसका नहीं, किसी पार्टी का नहीं है, सोच की बात है। सोच अगर बीजेपी की ये सोच होती, आरएसएस की ये सोच होती, तो 77 में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार मिली थी तब भीमराव अम्बेडकर को नहीं भारत रत्न दिया जाना चाहिए था, नहीं दिया गया। वो कब मिला? 1989 में जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और मौलाना अबुल कलाम आजाद को एक साथ भारत रत्न दिया गया। तो मेरा कहना है कि एक समाज में एक सोच रही है कि जो दलित समाज है उसको पीछे रखना है। लेकिन अब रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रथम नागरिक हैं, अब उनके ऊपर ये लगाना कि साहब वो नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल नहीं। वो सम्मानित हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, और जिस तरह दूसरे राष्ट्रपति को सम्मान मिला है इस तरह उनको हमें उम्मीद की जानी चाहिए। जैसा कि उन्होंने खुद कहा कि ये क्षण उन्हें जिम्मेदारी का एहसास करा रहा है, तो हमें उम्मीद की जानी चाहिए कि राष्ट्रपति का पद जो गौरवशाली हमारे एक परंपरा का इतिहास की परंपरा रही है, उसी परंपरा को वो आगे बढ़ाएंगे और उस अपने व्यक्तित्व से उसको और गौरवशाली करेंगे। सुधीर साहब, एक आखिरी कमेंट आपसे। देखिए, जैसा कि यूसुफ मोहम्मद, हमारे जो यूसुफ अंसारी मित्र हैं, उन्होंने सवाल उठाया, अभी आपने संक्षिप्त, मैं एक सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि समाज का और राजनीति का लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया में जो जिस तरह से हम प्रतीकात्मक रूप में राष्ट्रपति का चयन को देखते हैं, और ये बिल्कुल सही है कि आज हमारे जो प्रथम नागरिक माननीय रामनाथ कोविंद साहब हैं, और जैसा मैंने पहले आपको बोला कि विनम्रता और योग्यता को सम्मानित किया गया है और उस पर कोई वो नहीं है। और मैं बताऊंगा कि हमेशा से राष्ट्रपति चुनाव में नारायण साहब आपको रोक रहा हूँ, मेरे पास समय की कमी, हमेशा से राष्ट्रपति चुनाव में विनम्रता और योग्यता को देखा जाता है, लेकिन इस चुनाव में कुछ अलग हुआ। हालांकि अब चुनाव बीत चुका है और इन सबसे ऊपर देश के प्रथम नागरिक का अभिवादन होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ अंसारी जी, बहुत बहुत रमन डेका साहब, अभय दुबे जी, अमितेश श्रीवास्तव परोक्ष से मेरे साथ जुड़े रहे रामनाथ कोविंद जी के गांव उनके घर से। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश आपका। हमारी खास पेशकश में आज बस इतना ही।